जानता हूं कि मैंने पीहू को तुमसे दूर भेजा है और तुम इस बात से नाराज हो। क्यों? कई बार कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। माँ बाप को अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है कई बार ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो सके। मैं तुम्हें बस यही बताने आया था कि पीहू अगले 2-3 घंटे में हॉस्टल पहुंच जाएगी। वो ठीक है। चाचू, आप जिससे बात कर रहे हो ये मम्मा नहीं है, ये वो आत्मा है। आत्मा विक्रम, वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कहाँ रहेगी, ये सब इन्फॉर्मेशन तुमने निकाली है ना? सब कुछ चेक तो कर लिया है? हाँ, वो मोहिनी ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे, उसे हर चीज के बारे में पता है। वो कह रही थी कि हमें मोहिनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुमने ये सब खुद चेक किया है कि नहीं? अनंता, डोंट वरी, रिलैक्स। वो मैंने हॉस्टल वालों का नंबर ले लिया है, तुम टेंशन मत लो। अनंता, माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, इसलिए मैंने कल एक पूजा रखवाई है, तो मैं चाह रहा था कि तुम वो पूजा अपने हाथ से करो। तुम करोगी? हम अपनी बच्चे नहीं लड़ सकते,
अली बाबा से प्यार करना होता है। प्यार तो बड़ा तब से रोए जा रहे और तुम आ क्यों नहीं रहे हो? बस बाहर तो आ जाओ, हमारी बाबा को ठीक कर दो। गोपाल तुम्हारे ठीक पीछे है पीयू। ऊपर शिव फूल की लाइन क्यों बनी हुई है? तुम्हारे आंसू है पीयू, जो धरती पर गिरते ही फूलों में बदल गए। आंसू? अरे? जानते हैं पीयू, इस समय तुम्हारे लिए और भी कठिन हो गया। एक देवी के अंदर एक राक्षस का वास हो गया, ऐसे में तुम्हारी चुनौती अब और भी विराट हो गई है। तुम्हें अपनी माँ को चोट पहुंचाए बिना ही राक्षस का विनाश करना होगा। एक मिनट गोपाल, अगर हम भी सब कुछ करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम भगवान के पास घूमोगे? गोपाल, इतनी छोटी बच्ची पे इतना अत्याचार? हमने जो जादू करना था वो कर दिया। भी तुम्हारी आंखों से गिरे दर्द की हर एक एक बूंद को तुम्हारी ताकत में बदल दिया है। अब इस ताकत का इस्तेमाल तुम कैसे करोगे ये हमने तुम पर छोड़ दिया है। ये देखो मम्मा, आपके लिए हमारे आंसू की माला बनाए। मम्मा, आंसू रोज रोज फूल नहीं बनते, आज बनाए। इसका मतलब आज कुछ ना कुछ जरूर कमाल होने वाला है।
मम्मा, हम आपके अंदर से उस गंदे पापा को निकाल देंगे। गोपाल आपके अंदर से उस राक्षस को निकाल देंगे। रुक जाए लड़की, रुक जा, निकाल दे ये माला, तू मुझसे लड़ेगी। हीम क्रीम चमुडाय विचय नमः, ओम हीम क्रीम चमुडाय विचय नमः। अभी तो ये शुरुआत है, कल देखना क्या होता है। यजमान जी, घर की बहू या फिर घर की बड़ी बेटी को बुला लीजिए पूजा में बैठने के लिए, ताकि मैं पूजा शुरू करूं, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आनंदिता सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? बुलाओ ना, देखो ना कहाँ है। जी। अरे सुबह से तीन बार दरवाजा खटखटा चुकी है उनका, खोल ही नहीं रही है, घोड़े बेच के सो रही है। अरे तो फिर पूजा कौन करेगा आप? रुकिए हम बुला कर लाते हैं। नहीं सुन, हमारे रहते किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं। तुम पूजा पे बैठो।
विक्रम जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ की पूजा हम संभालेंगे। और आप, अगर आपकी इजाजत रहे तो बहुत जल्द इस घर की, आपकी और माँ जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। आप प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटी। पंडित जी, इस घर की बड़ी बहू तो दिमागी रूप से पागल है, इसलिए माँ जी के अनुसार इस घर की बेटी बहू हम हैं, तो इस पूजा में हम बैठेंगे। अच्छा अच्छा। बेटा दीपक की थाली दो। महाज्वालाय च विद्महे अग्नि देव धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। लो बेटी, इन दीपक को घर के हर कोने में रख देना, थोड़ा संभाल लेना। अच्छा सूरज, खड़े क्या हो यार? अनंदिता कहाँ है? अनंदिता नशे में है। क्या पहना तुमने? वाह विक्रम, पूर पी रहे हो और पूछ पी रहे हो। तो अपनी शर्म और लाज उतार कर रहे। अच्छा हुआ कि माँ जी बीमार है, क्योंकि अगर वो यहाँ होती ना तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाता। सुनो, पीछे हटो, पूजा हो रही है यहाँ पे, दूर हटो, जाओ। अनंता, अपने कमरे में चलो। छोड़ो, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं। मैडम जी, इधर मत आइए, आपके हाथ में मदिरा है, इधर पूजा चल रही है, अच्छा नहीं लगता। अरे ये मदिरा नहीं, इंपोर्टेड विस्की है। ये लो, दो चार घुट तुम भी ले। अरे हमारी तरफ से प्रसाद समझ लेना। लो। अनंदिता, क्या कर रही हो तुम? छूने का बहाना चाहिए? दोबारा ना बिना परमिशन के मत छूना, ओके? बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप किया है। मदिरा पान करके पूजा के स्थान पे आ गई तुम। ये पंडित, इन्हें देना शराब, क्या प्रॉब्लम है? या फिर कोई ऐसी जगह बता दे जहां पर दारू पी सकते हैं और भगवान ना हो। बोल, नहीं है ना? मम्मा, मैंने मम्मा अपने बाबा को, अपने दिन बताने देना, शक्ति को अपने मत आने देना मम्मा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और गौर से करने था, पूजा हो रही है यहाँ पे। पूजा? नहीं, यहाँ पे कोई पूजा नहीं होगी, वही होगा जो हम चाहिए, मस्ती करेंगे मस्ती। अरे नीला, ले ले, तू भी ले ले। नहीं, मान ना यार। नहीं, 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 नहीं। अच्छा,
इसे तो हम बताते हैं। ये गिरगिट, तू भी नहीं मानेगी ना? रुक। अरे, हप। क्या क्या क्या? बहुत बड़ा अधर्म किया है तुमने, यह बहुत बड़ा पाप है। विक्रम जी, आपने तो अपनी माता की सेहत के लिए यह पूजा रखवाई थी, किंतु आज जो कुछ भी यह घटना हुआ है, यह बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। अब आपकी माता को बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत कठोर कष्ट झेलना पड़ेगा इस औरत के कारण।